हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम KVS जैसे एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे ब्लूम शब्द। इसमें मैंने 250+ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ब्लूम शब्द होते हैं वो लिए गए हैं, जो कि हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। और आपको ऐसी उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन है वो हमारी ही वीडियो से देखने को मिलेगा। एक ही वीडियो में हम ये पूरा जो आपका ब्लूम शब्द है वो कंप्लीट करा देंगे। और इसके बाद हम लास्ट ईयर 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे पांचों शिफ्ट में ब्लूम शब्द से, वो भी हम इसमें करने वाले हैं। और इसकी जो PDF है आपको मालूम है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। उसकी लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगी। दोस्तों, अभी दिन में मैंने आपको शेड्यूल बता दिया था कि आपकी जो क्लासेस इतने दिनों से रुकी हुई थी वो अब फिर से चालू हो गई हैं, और मैंने पूरा शेड्यूल जारी किया था। चलिए आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि क्या शेड्यूल हमारी क्लासेस का रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि KVS जैसे क्लासेस शेड्यूल। सबसे पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे, ये संडे या मंडे तक मैं करा दूंगा। ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं, कल भी मैं 2 या 3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और संडे को मैं पूरे दिन आपको हिंदी की क्लास करूंगा, लगभग 5 से 6 वीडियो संडे को मैं जहां तक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर एक आध कोई टॉपिक रह जाता है तो उसे मैं मंडे को पूरा आपको करा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक जो हमारा आएगा उसमें हम कंप्यूटर की डेली 2 वीडियोस करेंगे, और जो नेक्स्ट संडे होगा उस दिन हम 4 से 5 वीडियो कंप्यूटर कर लेंगे। लगभग आपका 80% कंप्यूटर में आपको जो नेक्स्ट संडे आपका आने वाला है, जैसे अभी जो संडे है आपका, आज कितना तारीख है, आज है 3, 5 तारीख को अपना संडे होगा, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा वो लगभग 12 तारीख को आपका या 13 तारीख को आपका संडे पड़ेगा। और उसके बाद 13 तक मैं आपको लगभग 80% जो आपका कंप्यूटर वो करा दूंगा, 20% जो रहेगा वो हम हमारे पास तब भी बहुत सारा समय बचेगा, हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम जीके भी करते जाएंगे, और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुकएप्स होती है वो करा दूंगा आपको अपने नोट से। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं डेली आप 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारे मैं करा दूंगा, ठीक है। और हिंदी में हमने इतने सारे टॉपिक जिन पे टिक लगा हुआ है वो कर लिए हैं, और इसमें हम अभी जो बुकएप वाले सेक्शन है उससे ब्लूम शब्द को देखने वाले हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की एक क्लास हुई है, प्रीवियस ईयर के 2 सेट हुए हैं, 3 सेट अभी बाकी है, वो भी हम कर लेंगे जल्दी, ठीक है। ये क्लास नहीं देखी तो देख लिया। और ये मैंने समाज के MCQ भेज दिए, इन्हें लगाइए। मैंने समाज पढ़ाया था अच्छे तरीके से आपको, दिन में पढ़िए वैसे, और फिर ये लगाइए, आपको काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाला है। और ऐसे ही हम ब्लूम शब्द करेंगे उसी, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ ऐसे ही MCQ सेट मैं 200+ आपको उसमें भी देने वाला हूँ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का नाम द एग्जाम हेल्पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर 5900 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जाइए ज्वाइन कर लिए। सारी PDFs वगैरह मैं यहीं डालते रहता हूँ, टेलीग्राम पर जाकर ही नाम सर्च कर लेना, आपको इसे ज्वाइन कर लेना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसमें हम 250+ प्रश्न तो करेंगे ही, प्रीवियस ईयर करेंगे, प्लस मैं 200+ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको MCQ फॉर्म में दूंगा, तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लो। और इससे पहले दोस्तों, समाज डाल दिया, नहीं देखा, देखिए क्रिया आपको लास्ट 30 डेज में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ये स्टडी स्टडी वीडियो मैंने बताया, स्ट्रेटेजी वीडियो किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो को देख लेना, आपको ये सारे वीडियो जो है मेरे, देखिए टेलीग्राम पर मैं नोट्स वगैरह डालते रहता हूँ, वो आपको मिलेंगे। ये जो सारे वीडियोज जो दोस्तों जो आपको मिलने वाले हैं, मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल द एग्जाम हेल्पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर मैंने KVS JSE 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पर सारे जो मेरे वीडियोज हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे KVS से रिलेटेड, तो इसे ज्वाइन कर लेना। ढेर सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसे देख लेना, ऑफिस वगैरह की बनाते रहता हूँ, ठीक है। अभी मैं जल्दी आपको सैलरी क्या है, मेरी सैलरी मुझे मिल चुकी है, ठीक है, क्वार्टर कैसा मिलता है, डेली वर्क लाइफ क्या है, वो सारा कुछ बताऊंगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको थैंक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, ढेर सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, और मैं एज अ NVS में JSE अपॉइंटेड हूँ इन नवोदय विद्यालय में। और ये इंटरव्यू वाला वीडियो है KVS सर के साथ, कि क्या क्या चीज़ें होती है, KVS की लाइफ कैसी होती है, सब कुछ बता रखा है, सैलरी क्वार्टर वगैरह, तो ये देखना ना भूलेगा, ठीक है। डिटेल सिलेबस प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया था, सब कुछ है। और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए ब्लूम शब्द स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक अपडेट है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक KVS जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के मॉक टेस्ट परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी जाइए परचेस कीजिए, टेक्स्ट बुक पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसमें आपको एक्यूरेसी मैटर करना होती है, और पेपर को अटेम्प्ट करने की आपको हैबिट बनाना होती है कि किस तरीके से वहाँ पर पेपर आने वाला है। इसमें टोटल आपको 156 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें 112 चैप्टर टेस्ट है, 10 फुल टेस्ट हैं, 30 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, और 4 पिछले साल के जो टेस्ट हुए थे वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसमें आपको
टोटल एक पास के अंदर 670 से प्लस एग्जाम मिलते हैं, 63,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको एक पास के अंदर मिलते हैं। इसका मंथली ईयरली लाइफ टाइम वाला पास है, आपको जो परचेस करना है कर लीजिए, ठीक है। आपको अभी सेल चल रही है, 499 का पास आपको 399 में मिल जाएगा, और आपको जो कूपन कोड मांगेगा तो आपको वहां पर B1&W47 अप्लाई कर देना, जिससे आपको डिस्काउंट भी देखने को वहां पर 40-50 रुपये मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जब आपको परचेस करना है तब आप करेंगे तो ये कोड जरूर डाल देना। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और ये अप्लाई कूपन का आएगा तो आपको यहाँ पर डाल देना है B1&W47। आपको ऐसा नहीं है इसमें KVS मिलेगा, इसके अलावा जितने भी ऑल इंडिया में एग्जाम हो रहे हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, जितने ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम चले, सभी के एकमात्र ये 399 की प्राइस में सारे मिल जाएंगे एक साल के लिए वो भी, ठीक है। तो जल्दी जाइए परचेस कर लीजिए। देखिए SSC वगैरह ढेर सारे आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए कितने सारे हैं, देखिए 654, 411, 727, 734, बहुत सारे आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे। तो जल्दी जाइए इसे परचेस कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो चलिए अब हम अपना जो हिंदी का टॉपिक है ब्लोम शब्द, उसे स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लोम शब्द, तो ब्लोम शब्द को हम विपरीतार्थी भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है हम देख लेते हैं। तो किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, ब्लोम शब्द कहते हैं। ब्लोम का मतलब उल्टा है ना, कोई सही बोल रहा है और कोई गलत बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, एक लड़का सही बोल रहा है, दूसरा गलत, तो यानी उसका विपरीत, यानी कि विरोध कर रहा है उसका, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है, किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। शब्द जिस भाषा का होगा विलोम भी उसी भाषा का बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे अर्थात तत्सम का विलोम क्या रहेगा, तत्सम, तत्सम यानी संस्कृत समान, ठीक है। तद्भव यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द है, तो तद्भव का विलोम तद्भव होगा। उर्दू भाषा का अगर विलोम है तो वो उर्दू में ही बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि शब्द जिस भाषा का होगा विलोम भी उसी भाषा का बनेगा। तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का तद्भव, और उर्दू का विलोम उर्दू। शब्द जिस रूप में होगा विलोम भी उसी रूप में होगा। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा रहेगा, विशेषण का विलोम विशेषण रहेगा, क्रिया का विलोम क्रिया रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि परिभाषा क्या होती है। तो किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। शब्द जिस भाषा का होगा विलोम भी उसी भाषा का बनेगा, अर्थात तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, उर्दू का विलोम उर्दू। शब्द जिस रूप में होगा विलोम भी उसी रूप में होगा। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा रहेगा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया रहेगा। इसके बाद लक्षण के आधार पर हमने विलोम के भेद होते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। जैसे लक्षण के आधार पर विलोम के भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मूल विलोम, यानी कि जो मूल आपके विलोम शब्द होते हैं इनका कोई भी एक पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि हार का हम क्या बोलते हैं, जीत, है ना, हार का क्या बोलते हैं, जीत। तो ये मूल विलोम आपके हो जाएंगे, हार का जीत, सत्य का सच का झूठ, इस तरीके से जो होते हैं उन्हें हम मूल विलोम बोलते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के, जिसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न विलोम, व्युत्पन्न विलोम, है ना। यानी कि व्युत्पन्न क्या होता है, जो उत्पन्न होते हैं ना, उत्पन्न जो होते हैं व्युत्पन्न। जैसे कैसे होंगे उत्पन्न, तो ऐसे जो विलोम शब्द होते हैं उनमें हम उपसर्ग लगाकर अनेक विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं क्या होते हैं व्युत्पन्न विलोम, तो इनमें क्या करते हैं, हम उपसर्ग लगाकर अनेक विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर आ उपसर्ग देखिए, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो आ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द कैसे होते हैं, हम किसी भी जो हमारा शब्द होता है उसको हम आ लगा दें उसके आगे तो उसका विलोम बन जाता है। किसी भी का नहीं, कुछ शब्द होते हैं इनमें आ लगा दोगे तो उसका क्या बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। जैसे अगर न्याय लिखा है तो अगर हम आ लगा देंगे उसके आगे तो ये हो जाएगा अन्याय, है ना। हिंसा अहिंसा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसका अपोजिट परोक्ष भी होता है, धर्म का अधर्म, धार्मिक का अधार्मिक। तो इसमें हमने क्या करा, केवल आ जोड़ा और इसका अपोजिट ये बन गया, यानी कि इसका विलोम शब्द ये बन गया। इसी तरीके से आप अब इस उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं, अप उपसर्ग। जैसे कैसे, कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश, मान अपमान, उत्कर्ष अपकर्ष, ठीक है। तो अप उपकर्ष अप उपसर्ग जोड़ने से भी हमारा क्या बनता है, विलोम शब्द बनता है। इसी तरीके से देखिए, निरुपसर्ग जोड़ने से भी आपका क्या बनता है, विलोम शब्द बनता है। जैसे आदर निरादर, आमिष या सामिष का क्या होता है, निरामिष, ठीक है। यानी कि मांस रहित मांस ना खाने वाला, और आमिष या सामिष क्या होते हैं, मांस खाने वाले, निरामिष यानी कि मांस रहित मांस ना खाने वाला। विरोध का क्या होता है, निर्विरोध, अपराधी निरअपराध, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम कुछ उपसर्ग जोड़ दें तो वो उसके अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बन जाते हैं। इसी तरीके से वी उपसर्ग से देखिए, जैसे देश विदेश, सम्मुख विमुख, राग विराग, योग वियोग। इसी तरीके से नी उपसर्ग से भी बनते हैं, रोग निरोग, रस नीरस,
डर, निडर, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इनके विलोम शब्द बना सकते हैं कुछ उपसर्ग शब्दों को जोड़कर, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसकी डेफिनेशन देख ली कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, हमने यहाँ पर ये देख लिया है। अब हम करने वाले हैं दोस्तों इसके जो विलोम शब्द होते हैं, 250+ महत्वपूर्ण विलोम शब्द यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए ऊपर मैंने हेडिंग डाल रखा है, ये आपका शब्द रहेगा, ये आपका विलोम रहेगा, ये आपका शब्द रहेगा, ये इसका विलोम रहेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा इस तरीके से चल रहा है, यानी कि शब्द इसका विलोम, और ये एक तरीके से चल रहा है इसका शब्द इसका विलोम, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको ये अंडरस्टैंड करते चलना है। मैंने केवल ये ऊपर ही लिखा है, ये लिखा हुआ है शब्द विलोम, इसके बाद आपको सिर्फ ये ऐसी लाइन देखिए, मतलब ऐसा चलता जाएगा आपका पूरा ये, ठीक है। 250+ इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको समझते हुए चलना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि शब्द जो है और उसका जो विलोम है वो ये है, और इस तरीके से ये आपका चल रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 है, इसके बाद 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि ये वाले अलग हैं और ये वाले अलग, ठीक है। मिक्सअप मत कर देना, ठीक है। इस वाले का ये रहेगा, इस वाले का ये रहेगा, इस वाले का ये रहेगा, ठीक है। तो मिक्सअप मत करना, ध्यान से देखना, ठीक है। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो इसी तरीके से आपको हेडिंग देख के और इनको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने शब्द विलोम। हमारा पहला शब्द है दोस्तों संधि। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि यानी कि कम बारिश, अतिवृष्टि यानी कि कम बारिश, और अनावृष्टि यानी कि अधिक बारिश, ठीक है। चलिए पदोन्नति का क्या होगा? पदावनति, यानी कि पद में उन्नति, और पदावनति यानी कि डिमोशन, इसका प्रमोशन, इसका डिमोशन। असुआ। असुआ का क्या हो जाएगा? अनसुआ, ठीक है। असुआ का मतलब होता है पाप करना, अनसुआ का मतलब होता है पुण्य करना एक तरीके से, ठीक है। कठोर का क्या होता है? कोमल। कठोर है कोई चीज और एक चीज कोमल है, ठीक है। इसी तरीके से समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? निरपेक्ष। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षेपण, ठीक है। वृद्धि मतलब बढ़ना, संक्षेपण मतलब घटना, ठीक है। वरदान, अभिशाप, तुम्हें वरदान मिला है, तुम्हें अभिशाप मिला है। वारिस का अपोजिट क्या होगा? पूर्वज, ठीक है। ये मेरा वारिस है, वो हमारे पूर्वज से। जीवन का क्या अपोजिट होता है? मरण, ठीक है। तो जीवन से जितने भी रिलेटेड है ये अलग अलग बनते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीवन का क्या हो जाएगा? मरण। ये कृतज्ञ वाला बहुत पूछा जाता है, कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, कृतज्ञ मतलब उपकार ना मानने वाला, ठीक है। इस तरीके से उधार। उधार का हमें मालूम है नगद होता है, ठीक है। खिलना, मुरझाना, ठीक है। फूल खिलता है, एक फूल मुरझाता है, तो उसका क्या विलोम शब्द बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको चलते आना है। इसके बाद हमारा गरल। गरल का मतलब होता है विष, यानी कि जहर, तो इसका होता है सुधा यानी कि अमृत, ठीक है। तो गरल का क्या हो जाएगा? सुधा, यानी कि विष का क्या हो जाएगा? अमृत, ठीक है। घटना का क्या हो जाएगा? बढ़ना। घटना यानी कम होना, बढ़ना यानी ज्यादा। पराधीन यानी कि दूसरे के अधीन। स्वाधीन यानी कि स्वयं के अधीन, है ना। पराधीन मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होना, स्वाधीन मतलब खुद पर डिपेंडेंट होना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बढ़िया, घटिया, कोई चीज बढ़िया है, कोई चीज घटिया है। भूगोल, खगोल। भूगोल पृथ्वी से रिलेटेड, खगोल अंतरिक्ष से रिलेटेड, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। मिलन, वियोग। मिलना और वियोग मतलब बिछड़ना, ठीक है। तो इसका अपो विलोम शब्द हो जाएगा। सत्य का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सत्य माने सत्य बोलना, असत्य यानी मिथ्या, झूठ बोलना, ठीक है। तो सत्य का आप मिथ्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ या परमार्थ, ठीक है। तो स्वार्थ यानी कि स्वार्थ रहते हुए कोई काम करना, कि इसमें मेरा फायदा है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अपोजिट क्या हो जाएगा? निस्वार्थ, मेरा इसमें कोई भी फायदा नहीं है फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्वार्थ क्या हो जाता है? निस्वार्थ, या इसका एक और अपोजिट होता है जो होता है आपका परमार्थ, ठीक है। जो आपका ये दो दो लिखे हुए ना, वो उसी का एक का अपोजिट है, अगर और दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आए तो वो सही माना जाएगा, ठीक है। कर्मठ का क्या हो जाएगा? आलसी, ठीक है। कर्मठ मतलब बुरी तरीके से मेहनत करने वाला, एक होता है आलसी जो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो जो पढ़ेगा भाई वो सिलेक्शन ले जाएगा, आप नहीं पढ़ोगे आलसी बन के रहोगे तो नहीं मिलेगा सिलेक्शन। आगामी यानी कि आने वाला, विगत यानी कि पिछला, तो आगामी का अपोजिट क्या हो जाएगा? विगत, ठीक है। चलिए और दोस्तों बता दूं, ये मैंने 250+ है इंपॉर्टेंट जो आपके वो होते हैं विलोम शब्द, ये मेरे खुद के नोट्स से हैं, मेरे खुद के नोट्स में आपको क्लियर नहीं दिखता, वो मैंने थोड़े मैशअप करके रखे हुए, इसलिए मैंने ये टाइप किए हैं, ठीक है, आपके लिए। और इसके बाद ये 250+ करा दूंगा, 200+ में आपको जो बुक है मेरे पास MCQ की उसमें से दूंगा, वो आपको टेलीग्राम पर मैं फोटोज डाल दूंगा, उसी के नीचे उसका आंसर होता है, तो वहां से आप और प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतने सारे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा उसमें डेफिनेटली आपको यहीं से जो आपका विलोम शब्द है वो मिलने वाला है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हमारा जटिल। जटिल का क्या होता है? सरल। आपको मालूम है हार का क्या हो जाता है? जीत। उपयोगी अनुपयोगी, ठीक है। तो देखिए उपयोगी था, हमने इसमें क्या जोड़ दिया? अनु जोड़ दिया, अनु उपसर्ग, तो अनुपयोगी बन गया। नाम बनाम, ठीक है। आभूत अनाभूत, ठीक है। आभूत का क्या होता है? अनाभूत। भद्र का क्या होता है? अभद्र, ठीक है। भद्र का क्या हो जाएगा? अभद्र, ठीक है। न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय। सम का क्या हो जाएगा? विषम। संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न, ठीक है। संपन्न यानी कि धनी, विपन्न यानी कि गरीब, है ना, थोड़ा सा। प्रसाद का क्या हो जाएगा? विषाद। प्रसाद मतलब जो भी प्रसाद होता है, अच्छा खाने वाला, है ना, वो होता है। विषाद यानी कि जहर, जहरीली वस्तु, है ना, खराब वस्तु जिसे हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा संकल्प। संकल्प का क्या हो जाता है? विकल्प, ठीक है। संकल्प ले लूंगा कि नहीं मुझे तो यही जॉब चाहिए, पर दूसरे क्या कहेंगे? अरे ठीक है, बहुत सी जो विकल्प हैं वो भी कर लेंगे। तो संकल्प लेना है ना तो एक बार लो, ठीक है। विकल्प नहीं लेना चाहिए, संकल्प ऐसा लो कि उसके बाद कोई विकल्प ना बचे, ठीक है। तो इस बार लेनी है तो लेनी है मतलब, ठीक है। चाहे रात में मुझे 20 घंटे को ना पढ़ना पड़े, दिन में 20 घंटे को ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो लेना है तो लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा उपचार का क्या हो जाएगा? अपचार, ठीक है। उपचार करना, इलाज करना, अपचार करना, इलाज नहीं करना। आरोह यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोह यानी घटते क्रम में। तो आरोह का अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवरोह। आचार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुराचार्य। आचार्य अच्छा आचरण, दुराचार्य बुरा आचरण। फल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्फल। अपना क्या क्या हो जाएगा? पराया। अनुकूल प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अभिमानी का क्या हो जाएगा? निराभिमान हो जाएगा, ठीक है। इसे इसे अभिमान था और इसे निराभिमान है, ठीक है। इसे कोई अभिमानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा है अभ्यस्त। अभ्यस्त यानी कि आदी है, वो हर दिन प्रैक्टिस करता है, हर दिन मॉक टेस्ट देता है, और अनअभ्यस्त वो कुछ करता ही नहीं है, अनअभ्यस्त है वो, ठीक है। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन, ठीक है। खरा का क्या हो जाएगा? खोटा। खुशी खुशी बेमन से, कोई खुशी खुशी पढ़ता है, कोई बेमन से पढ़ता है, बट खुशी खुशी जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, बेमन से पढ़ने वाले का तो होता ही नहीं, ठीक है। घरेलू का क्या हो जाएगा? वनीला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। घरेलू का क्या हो जाएगा? वनीला। चोर का क्या हो जाएगा? साहूकार या शाह, ये भी थोड़ा अच्छा है। चोर का क्या हो जाएगा? साहूकार या शाह, ठीक है। जालिम का विलोम शब्द क्या हुआ? रहमदिल। जालिम मतलब बहुत ही बुरी तरीके से क्रूर, जैसे औरंगजेब था, रहमदिल, है ना, रहमदिल भी नहीं था, काफी रहे, ठीक है। और इसके बाद हमारा ज्ञान। ज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान। ज्योति का क्या हो जाएगा? तम। ज्योति मतलब होता है प्रकाश, और तम माने क्या होता है? अंधेरा आपका। तो ज्योति का अपोजिट क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तर तर का क्या हो जाएगा? शुष्क। तर यानी गीला, शुष्क यानी सूखा। दब्बू यानी कि जो डरा डरा सहमा सहमा रहता है उसको हम बोलते हैं दब्बू। दबंग यानी कि मतलब बिल्कुल चौड़े होकर चलता है, अरे मुझसे टकराएगा, आजा आजा देख लूंगा तुझे, है ना। तो इस तरीके से दब्बू का अपोजिट क्या हो जाएगा? दबंग। दिलेर। दिलेर मतलब दिल खुश करके, मतलब बिल्कुल दिलेर इंसान, मतलब ना डरता है ना कुछ करता है, बिल्कुल दिल से। एक है कायर, तो दिलेर का अपोजिट क्या हो जाएगा? कायर। दुर्गति का क्या हो जाएगा? संगीति, है ना। दुर्गति यानी बुरी गति, संगीति यानी कि अच्छी गति, है ना। संग संग गति, है ना। दुर्गति यानी बुरी गति। दुर्लभ का क्या हो जाएगा? सुलभ। दुर्लभ यानी कि बहुत रेयर है वो चीज, बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि नौकरी एक बार आती है, भाई दुर्लभ मौका है ये, इसे ले लीजिए, क्योंकि अभी चुनाव है, फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दुर्लभ मौका है अभी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्लभ को क्या बनाना है हमें? सुलभ बनाना है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद है द्रुत। द्रुत का क्या हो जाएगा? मंद, है ना। द्वेष। द्वेष का क्या हो जाएगा? सद्भावना। द्वेष यानी बुरी भावना रखना, सद्भावना यानी कि अच्छी भावना रखना। इसके बाद है हमारा द्वैत, और हो जाएगा अद्वैत, ठीक है। द्वैत। द्वैत का अपोजिट क्या होता है? अद्वैत। धीरज रखना, उतावलापन, ठीक है। तो धीरज का अपोजिट क्या हो जाएगा? उतावला, ठीक है। दृष्ट। दृष्ट का क्या हो जाएगा? विनीत। दृष्ट यानी कि मतलब बहुत क्रूर इंसान, विनीत यानी कि कोमल हृदय वाला। ध्वंस यानी कि ध्वंस का देना मतलब ढहा देना, उसका अपोजिट क्या होता है? निर्माण, यानी विलोम शब्द हो जाएगा निर्माण, एक तरफ बनाना एक तरफ बिगाड़ना। अगला है हमारा दोस्तों नराधम, और इसका है नरपुंगम। नराधम का विलोम शब्द क्या होता है? नरपुंगम, यानी कि नरों में श्रेष्ठ इसे हम बोलते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हुआ नरों में श्रेष्ठ, है इंद्र भगवान हुआ, तो नराधम यानी कि नरों में खराब, नरपुंगम यानी कि नरों में श्रेष्ठ। दोस्तों देखिए इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बस शब्द और विलोम बता रहा हूँ, कुछ एक दो वर्ड जो अच्छा उनका अच्छा मतलब होता है मैं आपको बताते चलता हूँ, है ना। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, नहीं है। देखिए अदर टॉपिक होते हैं जैसे समाज वगैरह, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, इसमें केवल आपको देखिए याद ही करना पड़ेगा, इनको रटना ही पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये पूरे देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना बेहद जरूरी है। चलिए तो निर्भीक का क्या हो जाएगा? भयभीत। निर्भीक यानी कि वो डरता ही नहीं किसी से, भयभीत यानी कि डरता है वो। नेकी का क्या हो जाएगा? बदी, है ना। नेकी करना अच्छी काम है, बदी करना बुरे काम करना।
नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्रकृति से जो हमें मिला, नैसर्गिक बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया। पंडित का क्या हो जाएगा, मूढ़, पंडित यानी कि जानकार व्यक्ति, मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति, पक्षधर यानी कि पक्ष को धारण करने वाला, विपक्षी यानी कि अपोजिट। जैसे पक्षधर कौन है इस समय, बीजेपी है, और जो विपक्षी है वो कौन है, कांग्रेस है, ठीक है। तो पक्षधर का क्या हो जाएगा, विपक्षी हो जाएगा। परुष, परुष अच्छा है, परुष का क्या होता है, कोमल, परुष यानी कि कठोर, यानी कि जो ताकतवर जो पुरुष होते हैं उनको बोलते हैं परुष, है ना, कोमल यानी कि मतलब सॉफ्ट, कमजोर टाइप के, है ना, उस टाइप के। पृथक यानी कि अलग करना, संयुक्त यानी कि जोड़ना, तो पृथक का अपोजिट क्या हो जाएगा, संयुक्त। प्रखर का विलोम क्या हो जाएगा, मंद, प्रखर यानी कि तेज गति से, मंद यानी धीमी धीमी गति से। प्रगति का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति, प्रगति यानी कि तेजी लाना काम में, काम विकास करना, है ना, अवनति यानी कि काम हो ही नहीं रहा है ना, काम रुका हुआ है इस तरीके से। चलिए अगला हम देखते हैं, प्रधान, प्रधान क्या होता है, मुख्य व्यक्ति, इसका अपोजिट क्या होता है, गौण। प्रधान यानी कि मतलब जो सामने देखे प्रधान हो, मतलब उसका दबदबा, मतलब प्रधान मतलब कि जो खुद में अपने आप में एक वैल्यू रखता है, गौण मतलब जो पीछे से सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रधान मतलब जो सामने हो आपके, गौण मतलब छुपा हुआ, ठीक है। प्रचन, प्रचन्न हो जाएगा, प्रचंड का होता है प्रकट, ठीक है। तो प्रचंड का मतलब होता है गुप्त, है ना, छुपा हुआ, छिपा हुआ, प्रचंड को क्या बोलते हैं, छिपा हुआ, और प्रकट यानी कि सामने। तो प्रचंड का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसके बाद है प्रलय, प्रलय का विलोम शब्द क्या होता है, सृष्टि होता है। जन्म का विलोम शब्द क्या होता है, तो मृत्यु होता है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको कराया था जीवन, जीवन का मैंने आपको ऊपर कराया था कि जीवन का क्या होता है, ठीक है, जीवन का मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बताया था मैं, सॉरी, जीवन का। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना जीवन का क्या होता है, मरण। बट यहीं पे आप जाएंगे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका जन्म। तो जन्म का अपोजिट यहाँ पर देखिए बदल गया, जन्म का क्या होता है, मृत्यु। तो ये जीवन और जन्म वाले हैं ना, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड पैदा करते हैं, ठीक है। तो जीवन का मरण होगा, जन्म का मृत्यु होगा, ठीक है। गुप्त का प्रकट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रचंड, प्रचंड का मतलब ही गुप्त होता है, ठीक है। तो ये सेम रहते हैं। निकट का क्या हो जाएगा, दूर, कोई चीज पास में है, कोई चीज दूर है। अकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल। उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति, है ना, उन्नति करना यानी कि वही प्रगति करना एक तरीके से, अवनति यानी कि मतलब प्रगति ना करना। अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य, ठीक है। तो अमर का अच्छा है, अमर का क्या होता है, मर्त्य होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद है आपका अर्पण करना, ग्रहण करना, अर्पण यानी कि दान करना, ग्रहण करने की, दान लेना, ठीक है। विधवा का हो जाएगा सदवा, ना, विधवा जिसका पति ना हो, सदवा जिसका पति हो। अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है। ये भी दो दो जो है ना, ये दो वर्ड अंधकार और अंधेरा, इनके दोनों के अलग अलग बनते हैं। तो अंधकार का तो हो जाएगा प्रकाश, और अंधेरा का क्या हो जाएगा, उजाला, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज, अग्रज यानी कि बड़ा भैया, अनुज यानी कि छोटा भैया, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं अग्रज हो गया हमारा। मान, मान का क्या होता है, अपमान, ठीक है, मान सम्मान करना और अपमान करना। सुगंध का क्या हो जाएगा, दुर्गंध, सुगंध यानी अच्छी गंध, दुर्गंध यानी बुरी गंध। महात्मा क्या हो जाएगा, दुरात्मा, महान आत्मा, दुरात्मा यानी कि बुरी आत्मा, है ना। क्रश, क्रश को हम बोलते हैं मरियल यानी कि कमजोर व्यक्ति, है ना। और पीन का क्या होता है, मोटा ताजा, ठीक है। तो क्रश का ब्लूम क्या हो जाएगा, पीन। देश का ब्लूम हमने बताया था ऊपर, विदेश, ठीक है। इसके बाद हम देखिए सक्रिय क्या होता है, निष्क्रिय, है ना, सक्रिय काम में लगा रहने वाला, निष्क्रिय यानी कि काम ही नहीं करता। सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र, है ना। न्याय का अन्याय, यश का अपयश, कीर्ति का अपकीर्ति, उत्कर्ष का अपकर्ष, हिंसा का अहिंसा, सुपात्र का कुपात्र, ठीक है, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपात्र का कुपात्र, ठीक है। सुमार्ग का कुमार्ग, सुमार्ग यानी कि सही रास्ता, कुमार्ग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, खराब रास्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सुबोध्य यानी कि दुर्बोध्य, ठीक है। सुबोध का, सुबोध्य का क्या हो जाएगा, सुबोध्य का विलोम हो जाएगा दुर्बोध्य। आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनादर करना या निरादर करना। वादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिवादी, ठीक है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विमुख, सामने बैठा है, विमुख बैठा है, मुंह फेर के बैठा है। रित का क्या हो जाएगा, अनिरित। मलिन का क्या हो जाएगा, धवल या उज्ज्वल, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। मलिन यानी कि मेला, और इसका विलोम शब्द क्या हुआ, धवल यानी कि उज्ज्वल, है ना, उजाल, उजला हुआ, ठीक है। चलिए अगला है अहंकारी, निरअहंकार, ठीक है। आक्रमण का क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा। आक्रमण का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिरक्षा। आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पाताल। आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात, आयात निर्यात भी काफी पूछा जाता है। आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यय। कपटी का क्या हो जाएगा, निष्कपट, कपटी यानी कि जिसके मन में कपट है, निष्कपट जिसके मन में कोई भी कपट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है, आय, आय तक हमने कर लिया था।
अगला है खंड। खंड का क्या हो जाएगा, अखंड, है ना। खंड यानी कि टुकड़े हैं उसके, अखंड यानी कि वो एक है ना, अखंड यानी कि उसके खंड नहीं है। घृणा, घृणा करना है ना, और प्रेम करना, घृणा का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेम करना। जननी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जनक। दास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वामी। दास यानी कि नौकर, स्वामी यानी कि मालिक। दुर्लभ का हमने ऊपर पढ़ा था अभी, सुलभ हो जाएगा। पंडित का भी हमने ऊपर पढ़ा था, पंडित का क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है। तामसिक, ये अच्छा वर्ड है ना, तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होता है, सात्विक, ठीक है। तामसिक क्या हो जाएगा, सात्विक। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, बाह्य। अभ्यंतर यानी कि अंदर की ओर वाला, बाह्य यानी बाह्य की ओर वाला। निरामिष का क्या हो जाएगा, शमिष, ठीक है। तो निरामिष का क्या होता है आपका, शमिष। आरूढ़, आरूढ़ का क्या होता है, सवार होना, अनारूढ़ यानी कि सवार नहीं होना, ठीक है। तो आरूढ़ यानी सवार होना, अनारूढ़ यानी कि ये भी काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा अक्षत। अक्षत का मतलब होता है साझा चावल, है ना। और भिक्षत, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भिक्षत यानी कि टूटा चावल। तो अक्षत का हो जाएगा भिक्षत। अमित का क्या हो जाएगा, परमित। अमित यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, परमित यानी कि सीमा है जिसकी, ठीक है। अमित यानी कि सीमाहीन, और परमित यानी कि सीमा। अच्युत यानी कि च्युत, ठीक है। अच्युत का क्या होता है, च्युत। अपराधी का क्या हो जाएगा, निरअपराध, ठीक है। तो अपराधी क्या हो जाएगा, निरअपराध। अभिनंदनीय का क्या हो जाएगा, अभिनंदनीय यानी कि स्वागत करने योग्य, निंदनीय यानी कि उसकी बुराई करने योग्य, ठीक है। तो अभिनंदनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निंदनीय। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन का विलोम शब्द क्या होगा, अवज्ञा यानी कि आज्ञा नहीं करना, आज्ञा का मतलब निरादर करना एक तरीके से। आराम, आराम का क्या विलोम शब्द होगा, तकलीफ। एकाग्र चित्त, ये अच्छा वर्ड है। एकाग्र चित्त का विलोम शब्द क्या होता है, अनन्य मनस्क। एकाग्र चित्त यानी कि जिसका मन केवल केवल पढ़ाई पे लगा हो, उसे केवल सिलेक्शन चाहिए, उसे जे से बनना है। और अनन्य मनस्क, जिसका मन कहीं और लगा हो, भाई रील्स देख रहे हैं, वो कुछ भी और उल्टे सीधे काम कर रहा है, ठीक है, जो भी है, बट एकाग्र चित्त आपको होना पड़ेगा अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कंजूस। कंजूस का विलोम शब्द क्या होता है, साह खर्च। ना कंजूस है ना, मतलब पैसे, अरे मतलब 5 रुपये खर्च करने भी सोचता है, अरे खर्च करूँ या नहीं करूँ। सा खर्च, अरे 50 रुपये, अरे ले 100, 500 ले तू, है ना, वो चीज़। आडम्बर का क्या हो जाएगा, सादगी। आडम्बर मतलब ढोंग करना, दिखावा करना, है ना। सादगी बिल्कुल सादा कपड़े पहन के रहना, ठीक है, इस तरीके से। उच्छ्वास का क्या होता है, निश्वास, ठीक है। उच्छ्वास का क्या होता है, निश्वास, विलोम शब्द। कुंठित का क्या हो जाएगा, तीखा या धारदार। कुंठित का मतलब होता है जो आपके घर में चाकू होता है ना, चाकू कुछ बनाने की कोशिश करते हैं अपन, तो इस तरीके से जो आपका चाकू होता है ना, चाकू, तो उसमें क्या है, जब आप 1 महीने 2 महीने उसको चलाते हैं नए चाकू लेके, तो उसमें फिर वो पेना नहीं रहता, उसको कुछ काट नहीं पाते, तो उसे हम बोलते हैं कुंठित। और जब नया नया होता है तो होता है तीखा या धारदार, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे। इसके बाद कनिष्ठ यानी कि छोटा, विलोम शब्द क्या होगा, वरिष्ठ यानी कि बड़ा। आत्मनिर्भर परजीवी, आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं खुद पर निर्भर रहना, परजीवी यानी कि दूसरों पर निर्भर रहना। अभी आप क्या हैं, अभी आप परजीवी हैं, क्योंकि आप अभी माँ बाप के भरोसे चल रहे हैं, और जब आपकी नौकरी लगेगी तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ठीक है, मोदी जी का नारा है। चलिए उत्तेजक का हो जाएगा प्रशमक। उत्तेजक यानी कि भड़काने वाले, प्रशमक यानी कि शांत करने वाले। चलिए कृपण का होता है कंजूस, और इसका विलोम शब्द होगा दाता या उदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कर्कश। कर्कश का मतलब होता है कड़वा, या मतलब कड़वा, कड़वाहट बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, और इसका विलोम शब्द होता है मधुर, मीठा, ठीक है। आध्यात्मिक का क्या होता है विलोम शब्द, सांसारिक या भौतिक। आध्यात्मिक मतलब होता है भक्ति करना, ईश्वर में लीन रहना। सांसारिक मतलब संसार की चीज़ों में, मतलब बढ़िया खाना पीना, ऐश करना, रील्स देखना, ये सब है ना काम करना। तो आध्यात्मिक यानी कि भगवान की भक्ति करना, सांसारिक यानी कि संसार में लीन होना, ठीक है। भौतिक भी हम उसे बोलते हैं। उद्भव, उद्भव का विलोम शब्द क्या होता है, अवसान। उद्भव का मतलब होता है जन्म लेना, अवसान का मतलब होता है एक तरीके से मृत्यु, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा वर्ड है, इसे देखना। कोलाहल, कोलाहल, कोलाहल मतलब बिल्कुल, मतलब भगदड़ मचे एक तरीके से, और मतलब बिल्कुल भी शांति नहीं है, बेचैनी नहीं है ना, और इसका विलोम शब्द होता है शांति, ठीक है। कुमारी, कुमारी का विलोम शब्द क्या होता है, विवाहिता। आनंद का विलोम शब्द क्या होगा, विषाद, ठीक है। आनंद मतलब विषाद, आनंद का खुशी होता है, विषाद का मतलब खुशी नहीं होता है। उन्मूलन करना, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना कोई चीज़, है ना, उखाड़ना। जैसे खेत में क्या लगी है, गाजर लगी है या मूली लगी है, तो उसको हम क्या करते हैं, उन्मूलन करते हैं, उखाड़ते हैं। और वहीं अगर हम उसको फिर से बीज डालेंगे तो उसको हम बोलते हैं रोपना, यानी कि लगाना, तो ठीक है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, रोपण। क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है, क्षमा कर देना। कृष्ण का विलोम शब्द अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कृष्ण का होता है शुक्ल। वैसे सारे वर्ड आपको अच्छे करने हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। इसके बाद है आपत्ति। आपत्ति भी काफी पूछा जाता है, तो आपत्ति हो जाएगा विलोम शब्द अनापत्ति।
एकत्र क्या हो जाएगा, विकीर्ण। एकत्र यानी कि इकट्ठा, विकीर्ण यानी कि बिखरा हुआ, क्षणिक, क्षणिक यानी कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, और शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, है ना, इसको बोलते हैं विलोम शब्द। तो क्षणिक का क्या हो जाएगा, सात्विक। ठीक है, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट कोप। कोप का विलोम शब्द होता है कृपा। ठीक है, चलिए, धर्म का विलोम शब्द क्या होता है, अधर्म। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाया था, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक का क्या हो जाएगा, अधार्मिक। इसके बाद अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञ माने होता है मूर्ख व्यक्ति, तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, विज्ञ, प्रज्ञ या अविज्ञ, इनका मतलब होता है जानकार व्यक्ति। ठीक है, जानकार व्यक्ति, ठीक है, और अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, जिसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विज्ञ भी हो सकता है, प्रज्ञ भी हो सकता है और अविज्ञ भी हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद भाग्यवान, भाग्यवान का विलोम शब्द क्या होता है, अभागा या भाग्यहीन। ऋजु, ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, वक्र। ऋजु यानी कि सीधा, वक्र यानी कि टेढ़ा टेढ़ा, है ना, इस तरीके से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अथ, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, और इसका विलोम शब्द होता है इति यानी कि समाप्ति। ये भी काफी पूछा जाता है, अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का होता है इति, इसका मतलब होता है प्रारंभ, इसका मतलब होता है समाप्ति। श्री गणेश, इति श्री, श्री गणेश करना कार्य प्रारंभ करना, इति श्री करना काम समाप्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है जंगम। जंगम यानी कि जो चल सकता हो, स्थावर यानी कि एक जगह स्थित हो, जो चल नहीं सकता। ठीक है, स्थावर, जंगम यानी कि जो चल सकता है, तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। इसके बाद है ब्रह्म। ब्रह्म का विलोम शब्द क्या होता है, जीव। ठीक है, ब्रह्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जीव। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, तो अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विराग। ठीक है, प्रेम और यहाँ पर बिछड़ना एक तरीके से आप कह सकते हैं। इसके बाद हमारा करुण। करुण का विलोम शब्द क्या होता है, निष्ठुर। करुण यानी कि दयनीय, यानी इसको दया आती है दूसरों पर, वो होता है करुण। और इसका जो विलोम शब्द वो होगा निष्ठुर यानी कि निर्दयी। ठीक है, तो करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, दयनीय का क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। चलिए, गमन, गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। गमन यानी कि जाना, आगमन यानी कि आना। चलिए, न्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। न्यून यानी कम, अधिक यानी ज्यादा। भोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, योगी। भोगी जो मतलब वही सांसारिक चीजों में लीन रहना, और योगी बिल्कुल कुछ मतलब ही नहीं, बढ़िया अपनी भक्ति कर रहे हैं वो चीज। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आधुनिक। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन या परंपरागत। रूक्ष, ये काफी अच्छा वर्ड है। रूक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्निग्ध। स्निग्ध इसका विलोम शब्द होता है। रूक्ष का मतलब होता है सूखा, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। ठीक है, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नख, नख का विलोम शब्द क्या होता है, तो नख का विलोम शब्द होता है शिक। ठीक है, सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द अभी मैंने बताया था, प्रलय होता है। ऋषि, ऋषि का विलोम शब्द क्या होता है, सांसारी। ठीक है, वही भोगी, योगी, ऋषि, सांसारी, है ना, एक ही है, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक, है ना, ये सारी एक ही वर्ड है। चलिए, अगला है उपमान। उपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपमेय। उपमान यानी कि जिसके समान उपमा की जाए, उपमेय यानी कि जिसकी उपमा की जाए। ठीक है, वो होता है, तो उपमान का विलोम शब्द क्या होता है, उपमेय। चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है, नश्वर। ठीक है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नश्वर, जो कि जिसका कभी नाश ना हो, चिरंतर जिसका नाश हो जाए। सबल, सबल का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्बल। रक्षक का विलोम शब्द क्या होता है, भक्षक। उदयाचल का यानी कि उदय होना, सूरज उदय होता है ना, तो उसको बोलते हैं उदयाचल, और इसका विलोम शब्द होगा अस्ताचल, सूरज का अस्त होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निरत, निरत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरत। निरत का क्या हो जाएगा, विरत। निस्सार, निस्सार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सस्सार। ठीक है, निस्सार का क्या हो जाएगा, सस्सार हो जाएगा। पतिव्रता का विलोम शब्द काफी पूछा जाता है, तो पतिव्रता का हो जाएगा उल्टा। भृत, भृत का जो दास, इससे पहले हमने पढ़ा था ना दास, दास का क्या होता है, स्वामी, तो वही चीज यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिखिए, भृत, भृत को ही हम दास होते हैं, तो भृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रभु यानी कि स्वामी। ठीक है, तो वही इसका मतलब हो जाएगा। इसके बाद है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दासता। ठीक है, वही चीज है, स्वतंत्रता मतलब आजादी, दासता मतलब गुलामी। योग का हमने पढ़ा था अभी, भोग हो जाएगा। उत्तरीय, ये काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है, काफी पूछा जाता है। उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्तरीय क्या होगा, अधो वस्त्र। उत्तरीय मतलब होता है दुपट्टा। दुपट्टा कहाँ पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं कंधे पर। अधो वस्त्र यानी कि लुंगी। लुंगी कहाँ पहनते हैं, हम पैरों में पहनते हैं नीचे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, काफी अच्छे वर्ड है। ये वर्ड आता तो बच्चे पता ही नहीं चलता क्या है, कि उत्तर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो उत्तरीय क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है, कांतिहीन। ठीक है, ओजस्वी मतलब बिल्कुल तेज एक तरीके से, कांतिहीन मतलब फीका फीका सा, इस टाइप से, है ना। चलिए, उद्धत, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, विनीत। उद्धत का मतलब बिल्कुल एकदम से प्रचंड तरीके से, मतलब उजड्ड तरीके से काम करना। विनीत मतलब कोमल हृदय से काम करना, कोमल भावनाओं से, प्यार से बात करना। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा प्रसारण। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है, आकुंचन। ठीक है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है, आकुंचन। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन। अर्वाचीन का प्राचीन।
अनिवार्य का प्रथम शब्द क्या हो जाएगा, वैकल्पिक, मतलब अनिवार्य है ये क्वेश्चन करना और ये क्वेश्चन वैकल्पिक है, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं तो छोड़ भी आप सकते हैं। चलिए भैया अगला देख लेते हैं। इसके बाद है विस्तृत, तो विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तृत यानी कि फैला हुआ, तो विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षिप्त, ठीक है। उद्यम, उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है, आलस्य, ठीक है, तो उद्यम का क्या हो जाएगा, आलस्य। उन्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विमुख, ठीक है, उन्मुख क्या हो जाएगा, विमुख। सम्मुख का भी क्या होता है, विमुख होता है, सम्मुख का भी विमुख होता है और उन्मुख का भी विमुख आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आविर्भाव, ये काफी पूछा जाता है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका होता है तिरुभाव, ठीक है, तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरुभाव हो जाएगा। इसके बाद है चिरंतन, चिरंतन हमने ऊपर पढ़ लिया था, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है, नश्वर। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है, मुक्त। ग्रस्त यानी कि ऐसा बोलते हैं ना कि वो उस बीमारी से ग्रसित है, यानी कि उससे घिरा हुआ है, मुक्त, मुक्त यानी खुला हुआ, ठीक है, तो ग्रस्त यानी कि मुक्त, ठीक है। चलिए हास, हास का मतलब होता है हंसी। रुदन, रुदन मतलब होता है रोना, तो हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रुदन। रुग्ण, रुग्ण का मतलब होता है बीमार, तो रुग्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वस्थ, ठीक है, तो रुग्ण क्या हो जाएगा, स्वस्थ। काफी अच्छे अच्छे वर्ड लेके आया हूँ आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। चलिए इसके बाद है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, निर्वृत्ति, ठीक है, निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति। विपद, विपद का विलोम शब्द क्या होता है, संपद, ठीक है, विपद यानी कि वही संपन्न यानी कि संपन्नता है, उसके बाद विपद यानी कि विपत्ति में वो। चपल, चपल का विलोम शब्द क्या होता है, गंभीर। चपल यानी कि चंचल, मतलब कि हंसते खेलते रहना, और ये के गंभीर का मतलब गंभीर ही बैठा रहता है भाई, सीरियस ही रहता है वो हमेशा जब देखो, ठीक है, तो इस तरीके चपल का क्या हो जाएगा, गंभीर। क्वाटिल्य, क्वाटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, आर्जब, ये काफी अच्छा वर्ड है, क्वाटिल्य क्या हो जाएगा, आर्जब। क्वाटिल्य का मतलब होता है टेढ़ापन, जो क्वाटिल्य थे वो बहुत चालाक थे, आर्जब यानी कि सीधापन, बिल्कुल भोले वाले से, है ना, इसको बोलते हैं। चलिए अगला है अग्नि, अग्नि इसको दे धरा यानी कि पृथ्वी को, अंबर यानी कि आकाश, तो अग्नि का क्या हो जाएगा, अंबर। सदैव, सदैव का विलोम शब्द क्या होता है, वृद्ध, ठीक है, तो सदैव का याद रखना क्या हो जाएगा, वृद्ध। सहोदर यानी कि एक ही उदर से जन्म लेने वाले, सगे भाई जिसे हम बोलते हैं, सगे भाई बहन, ठीक है, सहोदर, और इसका अपोजिट हो जाएगा परोदर, पराय उदर से भाग लेना, ठीक है, तो सहोदर का विलोम क्या हो जाएगा, परोदर। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिज्ञ, ठीक है, तो अनभिज्ञ जो जानता नहीं है, अभिज्ञ यानी कि जानकार व्यक्ति, ठीक है। चलिए अगला है मूक, मूक का विलोम शब्द क्या होता है, बाचाल। मूक का मतलब बहुत बोलने वाला, बाचाल यानी कि मूक यानी कि कम बोलने वाला, बाचाल यानी कि बहुत बोलने वाला, ठीक है। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम काफी पूछा जाता है, तो इसका विलोम होता है तिरस्कार, ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार। सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है, विशिष्ट, कोई व्यक्ति सामान्य है, कोई व्यक्ति स्पेशल है यानी कि विशिष्ट है। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश यानी कि आलोक। इसके बाद है उक्त, उक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुक्त, ठीक है, तो उक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुक्त। निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्दय का विलोम शब्द हो जाएगा सदय, ठीक है। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निमीलन, ठीक है, तो उन्मीलन क्या हो जाएगा, निमीलन। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी, अंदर को मुख, बहिर को मुख, ठीक है। चलिए अगला है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, ठीक है। अधिकृष्ट, अतिवृष्टि यानी कि अधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी कि कम वर्षा। अधिकृत, अधिकृत का विलोम शब्द क्या होता है, अनधिकृत, ठीक है। चलिए अगला हम विलोम शब्द देख लेते हैं, अनुलोम, अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिलोम, ठीक है, तो अनुलोम क्या होता है, प्रतिलोम। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह, ठीक है, तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह। पुष्ट, पुष्ट यानी कि बढ़िया, ताजा है, मोटा ताजा है, मतलब बिल्कुल ताकतवर व्यक्ति है। इसके बाद छीड़, मतलब बहुत कमजोर है, ठीक है, तो पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, छीड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सौम्य, सौम्य मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव का, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, उग्र, बिल्कुल प्रचंड तरीके से, तो सौम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। हाश, ह्रास, हिरास, हिरास का विलोम शब्द क्या होता है, ह्रास यानी कि कमी होना, ह्रास का विलोम शब्द क्या होता है, वृद्धि होना, ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा। अलभ्य, अलभ्य का विलोम शब्द क्या होता है, सुलभ, ठीक है, अलभ होगा या दुर्लभ होगा, तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सुलभ, ठीक है। इसके बाद है गौरव, गौरव का अच्छा अच्छा खासा वर्ड है, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ठीक है। निंदा, निंदा का विलोम शब्द होता है आपका स्तुति करना, निंदा यानी कि बुराई करना, स्तुति यानी कि उसकी प्रार्थना करना। सगुण, सगुण का विलोम शब्द क्या होता है, निर्गुण, ठीक है, उसमें अच्छे गुण हैं, उसमें निर्गुण है वो। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तीर्ण, संकीर्ण यानी कि बहुत छोटे से, में विस्तीर्ण यानी कि फैला हुआ एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद है यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द होता है आपका आदर्श, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे वर्ड है दोस्तों, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, आदर्श। आकलन, आकलन का विलोम शब्द क्या होता है, विकलन, ठीक है। स्वल्पायु, स्वल्पायु का
विलोम शब्द क्या होता है? चिरायु, स्वल्प आयु की, कम आयु वाला, चिरायु मतलब बहुत जीने वाला, ठीक है। चलिए आधार, आधार का विलोम शब्द क्या होता है? आधेय, ठीक है। स्वजाति, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है? विजातीय, ठीक है। स्वजाति यानी कि स्वयं की जाति, और विजाति यानी कि दूसरी जाति का। राजा, राजा का विलोम शब्द क्या होता है? रंक। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्ति, ठीक है। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्ति। अपेक्षा, अपेक्षा करना किसी से, आशा करना, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द होता है उपेक्षा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अग्रज, अग्रज का मैंने बताया था छोटा, अग्रज का मतलब बड़ा, अनुज का मतलब छोटा। साधु, साधु का विलोम शब्द क्या होता है? असाधु, ठीक है, असाधु। आकृष्ट, आकृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? विकृष्ट, ठीक है। क्षर, क्षर का विलोम शब्द क्या होता है? अक्षर, ठीक है। क्षर का विलोम शब्द क्या होता है? अक्षर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका साक्षर होता है, साक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? निरक्षर, ठीक है। साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा, निरक्षर यानी कि नहीं पढ़ा लिखा, ठीक है। चलिए इसके बाद विनत, विनत का जो विलोम शब्द है वो क्या जाएगा? उद्दत, वही यानी उद्दत यानी कि प्रचंड तरीके से, है ना, और विनत यानी कि कोमल तरीके से। इप्सित, इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? अनिप्सित, ठीक है। तो इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित। मौन, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुखरता, मौन यानी कि शांत रहने वाला, मुखरता यानी कि बोलने वाला बहुत, ठीक है। अगला है उदात्त, उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुदात्त, ठीक है, अनुदात्त। उदार, उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुदार। विषाद, विषाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हर्ष, ठीक है। बद्ध, बद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त, ठीक है। बद्ध यानी कि बंधा हुआ एक तरीके से, मुक्त यानी कि खुला हुआ। क्रश, क्रश का मतलब वही हष्ट, मतलब कमजोर व्यक्ति, और इसका विलोम शब्द होता है हष्ट पुष्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं हम अश्लील, अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका काफी पूछा जाता है सलील, ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रह यानी कि कृपा करना, तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह करना, ठीक है। इसके बाद है पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौरषत्य, ठीक है, पौरषत्य, ठीक है। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौरषत्य यानी कि पीछे वाला, पाश्चात्य यानी पीछे वाला, पौरषत्य यानी कि आगे वाला। इसके बाद है प्रभावी, प्रभावी का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रभावी या निष्प्रभाव या प्रभाव शून्य, ठीक है। तो अप्रभावी, निष्प्रभाव या प्रभाव शून्य आपका क्या हो जाएगा? प्रभावी का विलोम शब्द। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम शब्द होता है छिपा हुआ, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न यानी कि सामने। अनुरक्त, अनुरक्त का होता है प्रेम एक तरीके से, तो अनुरक्त क्या हो जाएगा? विरक्त, ठीक है, प्रेम और बिछड़ना एक तरीके से, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 250 प्लस आपके विलोम शब्द कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड सन 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे, है ना, विलोम शब्द के हर एक शब्द में एक प्रश्न, वो हम करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा मैं 200 प्लस आपको वो दूंगा, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, उसे ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। और दोस्तों ये इंटरव्यू वाला वीडियो नहीं देखा, आपके सारे KVS JSA से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक थैंक्स का ऑप्शन दिखता है लाइक वाली जगह पर, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। और दोस्तों अभी तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम सन 2018 में पूछे गए जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है? तो शत्रु का तो सबको मालूम है, मित्र, है ना, शत्रु यानी कि दुश्मन। तो देखिए अशत्रु, दुश्मन, अजात शत्रु, ठीक है। तो शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र, है ना। चलिए अगला देखिए उपकार, उपकार मैंने अभी पढ़ाया था आपको, उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार करना, ठीक है। चलिए सभ्य, सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? असभ्य। मैंने बताया ना कि आ अगर हम जोड़ देते हैं किसी शब्द में तो उसका वो विलोम शब्द बन जाता है, तो सभ्य क्या हो जाएगा? असभ्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुकूल, अनुकूल मैंने कराया था आपको, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल, ठीक है। चलिए साक्षर, साक्षर भी मैंने अभी आपको बताया था, एग्जाम्पल देके बताया था, देखिए तो साक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? निरक्षर, ठीक है, ये मैंने बताया था, साक्षर पढ़ा लिखा, निरक्षर यानी कि नहीं पढ़ा लिखा। तो यहाँ पर हमने आपके जो प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन थे वो कर लिए। इसके बाद आपको इसकी जो 200 प्लस की जो प्रैक्टिस है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो उसे ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है, इसके अलावा ढेर सारे वीडियोज बना रखे हैं, उनको जाके देखिए, KBS की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रख देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।